देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। आज दिनांक है 4 फरवरी 2023 और देवांगना कोल्ड स्टोरेज तिरवा में हम मौजूद हैं साहब। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का आलू आना शुरू हो गया है। यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं। कब पूजन हो गया? पूजन बता रहे हैं 26 जनवरी को हो गया और आलू लग बसंत पंचमी वाले दिन पूजन हुआ, आलू भी आना शुरू हो गया है। तो सर जी बताइए क्या पोजीशन है, आलू कितना आ गया कोल्ड में? आ गया होगा 300 कट्टी करीब। 300, अब की बार हमको लगता है जल्दी फुल हो जाएगा। लग तो ऐसे ही रहा है। दादा बताओ को क्या पोजीशन है प्रोडक्शन की? प्रोडक्शन बढ़िया है। बम्पर बम्पर क्षेत्रफल? क्षेत्रफल ज्यादा ही है लेकिन रेट बड़ा डाउन है, इसका क्या कारण? रेट तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो रेट डाउन हुई है। आगे कुछ पोजीशन है उम्मीद की? अब जब कोल्ड खुलेंगे तब देखो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोल्ड में आलू आना शुरू हो गया है और जो लोग कच्ची फसल आलू जैसे ले जा रहे हैं मंडी में, वो अपना बीजा ईजा छांट के बढ़िया ले जाते हैं वहां मंडी में, तो बीजा भी यहाँ आ रहा और चिप्सोना आलू आप देख सकते हैं, चिप्सोना आलू भी आ चुका है, लाल भी आ चुका है और सफेद भी, यानी कोल्ड स्टोरेज में आवक शुरू हो गई है और बहुत जल्द कोल्ड स्टोरेज भर भी जाएंगे इस बार। फिलहाल इस बार जो है बसंत पंचमी थोड़ा जल्दी हो गई, 26 जनवरी को वैसे 4 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास अमूमन बसंत पंचमी होती है, तब कोल्ड स्टोरेज के पूजन होते हैं तो आना शुरू हो जाता है। क्या बसंत पंचमी वाले दिन आया था थोड़ा? हाँ, एक लाट आई थी 32 कट्टी। अच्छा, तो बसंत पंचमी से शुरुआत हो गई और धीरे धीरे अब आलू जो है आवक बढ़ती चली जाएगी। क्या लिफ्ट वगैरह सुविधा हो गई कि अभी नहीं? लिफ्ट पूरी है। अच्छा, हमारे पास पहले से ही है। पहले से ही है। ठेका वगैरह भी हो गया? सब ठेका है। अच्छा अच्छा, ठेकेदार भी हैं, ठेका हो गया। जाम आम की स्थिति अगर आती है तो उसको निपटने के लिए भी सब तैयार हैं और आलू बहुत जल्द पैक हो जाएगा, बढ़िया सुरक्षित आलू निकाल कर किसान को दिया जाएगा। कुल मिलाकर सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो सुविधाएं बहुत अच्छी इस बार भी कोल्ड मालिक दे रहे हैं।